पुणि तेजिला कटक राजनीति कटक सदर विधायक और सीएमसी कमिशनर को हटहटाइबा को पड़ी गोटे पटे केन्द्रीय विद्यालय पर भित्तिभूमि प्रस्तुति चलता बेले अंपटे एथपाई जलबंदी समस्या पड़ते शताधिक सहरवासी केन्द्रीय विद्यालय दुईपाई खालुआ अंचल को माटी पकाई पोतुची जायका यहाँ नुआपड़ा बालीसाही प्रेस कलोनी और लेबर कलोनी अंचल में जल निष्कासन हो पार अभोग तबे याकु नै बस्ती बासिंदा भितर असंतोष बढ़ुता बेले समस्या समाधान पर कटक सदर विधायक चंद्रसारथी बेहरा सीएमसी कमिशनर अनन्या दास पहुंचे एभली स्थित केन्द्रीय विद्यालय सपक्षवादी और जलबंदी समस्या भोगुवा लोकों भितर उत्तेजना सृष्टि होता एक गंडगोल भितर उभय विधायक और कमिशनर फसी जाते किद तले कालबैशाखी प्रभाव में नुआपड़ा और बालीसाही बस्ती बासिंदा अस्थायी टेन्ट भुशुड़ी पड़ता या उत्तेजना प्रकाश पाइबा कटक चौदवार विधायक सौभिक विश्वाल और बापा प्रभात विश्वाल पहुंच लोकों धरी जिलापा कार्यालय को जाते सेठे विधायक और बापा सीएमसी कमिशनर विरोध में असंतोष चाली पे पुणी सीएमसी कमिशनर बस्ती बासिंदा आक्रोश शिकार होती अधिक आलोचना करने को सौम्यरंजन चौधरी आम सहित सीधासख जोड़ी सौम्यरंजन किद पूर्व आम देखी जिते सीएमसी कमिशनर को असंतोष प्रकाश करते कटक चौदवार विधायक और बापा एवं आज पुणि थे लोकों आक्रोश शिकार होती सीएमसी कमिशनर देखते स्वस्तिक आपड़ भिडियोटी प्रथम देखिले बर्तन मुझे आपको कह चाहिए भिडियोटी गत काल अर्थात शनिवार अर्थात सटडाउन एवं प्रथम प्रश्न उठू कि शनिवार सटडाउन जिते महानगर निगम कमिशनर गोटे अंचल समस्या देखा जाइंट से ही समय व्यतीत अगर कहारी को डक जाए ना तेणु पुलिस उपस्थित एत लोक रास्ता उपरको आसिले कौन पाए सटडाउन जदि आम नियम दृष्टि देखा तेज कार्यानुषान होगा जरूरी ए संपर्क में पुलिस निष्पत्ति नब कि कार्यानुषान हो कि नब एवं अंपटे महानगर निगम जे कमिशन रही लोकों जहाँ असंतोष रही असंतोष जाहिर कर वर्तमान प्रकृत समय नुह कहीं महानगर निगम कमिशनर गोटे घटना को देखा जाते से संपर्क से अंचल विधायक सहित आलोचना करते यार स्थायी समाधान किभली हे से नहीं कि परामर्श देते सब बड़ कथा जेहेतु से अंचल केन्द्रीय विद्यालय किसी कम कर तेणु से अंचल जलबंदी समस्या किसी सृष्टि ड्रेन पा रास्ता पर आसूँ किसी लोकों घरे वर्षा पा जमी रोचे ये सब समस्या हो तेज जो लोक मैंने महानगर निगम कमिशनर आगे कि विधायक आगे से अभोग बखाणिले ये अभोग बखाणवर बर्तमान प्रकृत समय ये नुह कहीं सटडाउन समय लोक मैंने रास्ता उपरको आसिकी यही भाव विरोध करवा आद ठीक नुहे कहीं परवर्त समय आम कटक बालीसाही एक घटना देखी तेणु जो संक्रमण कथा कहूँ आम यही सब भिड़ आज देखा चाहूना कौन सी जगार चारु पांच जन लोक एकाठी विरोध कर चित्र आद ग्रहणीय नुह बर्तमान महामारी समय तेणु गत काल घटना जहाँ घटी ता आशा करेतु से स्थानीय थाना अधिकारी थे तेणु परवर्त समय कौन कार्यानुषान ग्रहण करपटे जहाँ लोक मानक अभोग रही से कथा महानगर निगम कमिशनर और जो अंचल विधायक अच्छे कर्णपात होशा करवा परवर्त समय से लोकों से समस्या समाधान करने दिगरे चेष्टा करेंगे तेणु बर्तमान समय गोटे कथा कहुपे जो सटडाउन सत्ते महानगर निगम कमिशनर अंचल विधायक से ही अंचल बुलवाक आसिले समस्या देखिले समस्या स्थायी समाधान पर आलोचना कले ताक धन्यवाद देवा पड़ो कहीं जो सोशल मीडिया में यही अंचल किसी समस्या पोस्ट करवर्त समय से ही समस्या को देखी महानगर निगम कमिशनर कहतु कि अंचल विधायक कहतु घटनास्थल पहुँची जो कन्स्ट्रक्शन कम स्थल चली लोक सहित आलोचना करते कि अंचल जो समस्या सृष्टि होती से समस्या स्थायी समाधान होेणु जेहेतु प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि तेणु महामारी लकडाउन सटडाउन सत्ते जितने अंचलवासी समस्या से कौन से गणमाम कि सामाजिक गणमाम देखुं तेणु नैतिकता दृष्टि बेक दृष्टि से घटनास्थल को जाऊँ से समस्या समाधान करने को चेषा करपरिस्थ अधिकारी सहित आलोचना करें से ही समय जे अंचलवासी एकाठी हो विरोध करवा निज भितर सामाजिक दूरता भंग करवा मास्क न पिंधा ये सब गोटे गोटे अत्यंत दायित्वहीनतार परिचय बोली आम कहीपर जदि परवर्त समय भितर किए संक्रमण थे तेज संक्रमण व्याप तेणु समस्या समाधान हम अंपटे आपण मैंने आपंकर अभोग जन तार गोटे प्रकृत समय अच्छी गोटे सठिक ढंग से यह सब करागले बोध हुए जो संक्रमण पर बर्तमान नियम गुड़िक जारी हो नियम गुड़िक भंग हो तेणु गत काली जे थाना अधिकारी थे से मैं देखते कि स्थिति सृष्टि होता से बुझासुझा करने को उद्यम करते तेणु सटडाउन कहतु लकडाउन कहतु यही समय कौन सी जगह लोक मैंने एकत्रित हो यह समस्या उत्थापन करार ये सठिक ढंग नुह यह बाद जी कटक नुआपड़ा बालीसाही कथा कह
ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯଦି ସେଠାକୁ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମହାନଗର ନିଗମର କମିଶନର ଯଦି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ନଯିବେ, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବେନି ଏବଂ ତା'ର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ଦରକାର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ହେଲେ ସେମାନେ ଯିବା ସମୟରେ ଯଦି ସେଠାକାର କୌଣସି ଲୋକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଢଙ୍ଗରେ ଯଦି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବିରୋଧ କରନ୍ତି, ତେବେ ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଗତକାଲି ମଧୁପାଣ୍ଡା ଯେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ବୋଧହୁଏ ଏଭଳି କିଛି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ଥିଲେ, ସେଠାରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା। ହେଲେ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଏକାଧିକ ଲୋକ ଏକାଠି ହେଲେ, ନିଜ ଭିତରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଧାୟକ କୁହନ୍ତୁ ବିରୋଧ କଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ନିହାତି ଏବେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛି। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖୁଛୁ ଯଦି ରାସ୍ତାଘାଟରେ କୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିନା ଅନୁମତିରେ ଯାଉଛି, ପୋଲିସ ତାକୁ ଅଟକାଉଛି, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଏବଂ ନିକଟରେ ସ୍ୱସ୍ତିକା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି ସକାଳେ ଯେଉଁ ଏକ ଘଣ୍ଟା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କିମ୍ବା ଇଭିନିଂ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କିମ୍ବା ସାଇକେଲିଂ ଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ କଟକଣା ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କଟକଣା କରାଯାଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ସେ କୋହଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହଟାଯାଇଥିଲା କି ଏକ ଘଣ୍ଟା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କିମ୍ବା ସାଇକେଲିଂ ୱାକ୍ ହୋଇପାରିବନି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏତେ ସବୁ ଆମେ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛେ, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯଦି ମହାନଗର ନିଗମର କମିଶନର ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସେଇଟା, ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ସେଠାରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଭଳି ସମୟରେ ଏକାଠି ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଏଭଳି ମାନେ ଏଇଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା କିମ୍ବା ବିଧାୟକ ଆଗରେ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ରଖିବା, ଇଏ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ତ ଆଶା କରିବା ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯାହା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧୁପାଣ୍ଡା ଥାନାରେ ଯେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଏହା ଉପରେ ଗୋଟେ ମାମଲା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉ। କାରଣ ପୂର୍ବତର କଟକ ନୂଆପଡ଼ା ବାଲିଚେରି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାମଲା ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ଗୋଟେ ମାମଲା କରାଯାଉ। ବଡ଼ କଥା ସୁମନ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବି ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ କୋଭିଡ୍ର ଯେଉଁ କଟକଣା ରହିଛି, ନିୟମ ରହିଛି, ତାକୁ ମାନିବା ତାଠୁ ଅଧିକ ଜରୁରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଏବଂ କଟକରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଥା କୁହାଯାଉ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଏସବୁ ସାଥିରେ ବା ଏମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜନସାଧାରଣ ବି ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ କଟକରେ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ କଟକରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଆଶା କରାଯାଇପାରେ ଯେ ହୁଏତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବ, ସେଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜନସାଧାରଣ ବି ସଚେତନ ହେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।